स्टूडेंट्स, हेलो, गुड मॉर्निंग। आपने हमारे वीडियो देखा होगा। जस्ट इसके पहले हमने 10-12 मिनट का हमने वीडियो डाला था, जिसमें हमने कुछ मोटिवेशन क्लासेस के नाम पर दिया था और मैं खुद का अपना इंट्रोडक्शन दिया था, अपने बारे में बताया था। ठीक है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखना। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं या जो नहीं हैं, वो भी सब्सक्राइब करके उस वीडियो को जरूर देखना। उसे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और हमारे बारे में, यानी आपके टीचर जो मैं संजय सिंह वर्मा, के बारे में आपको पता चलेगा कि मैं क्या था और कैसे आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप उसको जरूर सुनना, उससे बहुत फ़ायदा होगा आपको। और मैंने वहाँ बोला था कि फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्सेज बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस, जिसमें मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं अब तक जो रहे हैं और आगे भी, कि बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है एलिमेंट्री ऑपरेशंस से इन्वर्स फाइंड करना, क्योंकि बोर्ड में आप जानते हैं थ्री और थ्री का जो मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स फाइंड करना 6 नंबर का आता है, 6 मार्क्स होता है, और उसमें बच्चे घबराते हैं, बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है करना। लेकिन देखिए, आइए हमारे साथ, और मैं आपको बता रहा हूँ कि घबराना भूल जाओगे आप बहुत ही आसान तरीके से, और सबसे बढ़िया आप करना सीख जाओगे। और जो करने में बच्चों को 10 मिनट लगता है, 12 मिनट लगता है, आप यकीनन आप मुझ पर विश्वास करिए, गारंटी देता हूँ 100% कि आप मुश्किल से 3 से 4 मिनट में सॉल्व कर लेंगे, और उसका आंसर भी आप खुद ही पता कर लेंगे, चेक कर लेंगे कि आंसर सही है या गलत। आंसर पीछे बुक में या बोर्ड में घमाने की जरूरत नहीं है कि आंसर गलत है सही है, आप चेक कर लेंगे, कॉन्फिडेंशियल, आप कॉन्फिडेंस में रहेंगे आप। तो आइए हमारे साथ बने रहिए और देखिए हमारे 2 फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एलिमेंट्री ऑपरेशंस यानी आप जानते हैं कि इसको हम लोग ट्रांस, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, है ना। ध्यान दीजिए, ये हमारे साथ आइए हमारे पास, और ये देखिए, ये आपका टॉपिक है ना, इसी को मैं बताने वाला हूँ आज कि कैसे इन्वर्स फाइंड करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए, देखिए बहुत ही आसानी तरीके से फाइंड किया जाएगा ये। इसके लिए कुछ स्टेप्स मैं पहले बताऊँगा, आपको समझाऊँगा, इसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगा आपको। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिए, स्टेप नंबर 1, फर्स्ट स्टेप देखिए आप यहाँ पर क्या करना, हमने फर्स्ट आपको डिसाइड करना है, क्या डिसाइड करना है कि आपको ERO यानी एलिमेंट्री रोज ऑपरेशन से करना है या फिर आपको एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से करना है, ECO आपको डिसाइड करना है। मैं चलिए यहाँ पर आपको लिख देता हूँ, इसी जो फुल फॉर्म होता है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, ओके, है ना। और ये ECO क्या होता है, तो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, ओके, ये ध्यान दीजिए। इसलिए शॉर्ट में हमने नाम रखा इसको ERO एंड ECO। तो आपको फर्स्ट स्टेप में डिसाइड कर लेना है कि आपको ERO से करना है या ECO से करना है, दोनों आसान है। अगर पेपर में ये लिख दिया है कि ERO से करना है, रो से करना है, तो रो से करना होगा, और कॉलम से करना है तो कॉलम से करना होगा। लेकिन अगर ये अगर मेंशन नहीं किया हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, तो आपको जो आसान लगता है, जो अच्छा लगता है उसे करिए। लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर ERO से करना है, अप्लाई रोज करना है, तो रोज करना है लास्ट तक, जब तक आंसर ना जाए।
और कॉलम से करना है तो कॉलम से ही आंसर लाना है आपको, उसमें बीच में रो में कॉलम या कॉलम में रो नहीं ला घुसरना है, नहीं उसमें लगाना है, ठीक है। तो आइए स्टेप नंबर टू ध्यान दीजिए। स्टेप नंबर टू क्या करना है कि फोर आपने अगर ई आर ओ लिया है ना, तो फोर ई आर ओ के लिए क्या करना है कि ए इक्वल टू, देखिए यहाँ से नंबर शुरू हो रहा है, ए इक्वल टू आपको लेना है आई ए, ओके क्या लेना है आई ए। तो अब ये जो आई ए है यानी क्या, हमने यहाँ लिख देखो, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं पी डी है, क्योंकि आई पहले मल्टीप्लाई, ये से पहले मल्टीप्लाई किया हुआ ना, क्योंकि पता है आपको क्यों भाई, आपको ये भी पता है क्यों ऐसा लिखा हमने, आपको पता है कि आई ए को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ क्या आता है, ए आता है ना, इसलिए लिखा हमने, क्योंकि आई ए को मल्टीप्लाई, फिर बोल रहा हूँ मैं कि आई ओ आई ए या ए आई मल्टीप्लाई करेंगे ए आएगा, तो इसलिए हमने ए आई हमने पहले लिया ना प्री, लाइक प्रीपेड, प्रीपेड जो मोबाइल आप जानते हैं प्रीपेड, प्रीपेड वो हमने लिया है ना। और सेकंड आपको यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि अगर फोर ई सी ओ है, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन है, तो इसमें क्या लेना है, ए इक्वल टू लेना है आपको ए और आई बाद में लेना है, यानी पोस्ट, ये पोस्ट मल्टीप्लाई आपको देख रहे हैं, यह पोस्ट आई बाद में आया है, यहाँ भी आप जानते हैं कि ए आई को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है, ऐसा पहले आप पढ़ चुके हो, पीछे पढ़ चुके हो है ना, ठीक है यहाँ तक समझ गए जी, ये पोस्ट और पीढ़ी होता है ये, चलिए ध्यान दीजिए। तो आप जब इसमें अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करना है, इसका मतलब क्या अप्लाई करना है इसमें, तो इसमें आपको अप्लाई करना है क्या, तो रो को अप्लाई करना है जी, क्या करना है रो अप्लाई करना है, और यहाँ अप्लाई क्या करना है जी, तो यहाँ आपको जो अप्लाई करना है ध्यान दीजिए, यहाँ जो अप्लाई करना है कॉलम करना है, क्या करना जी, एक कॉलम करना है और यहाँ क्या करना है रो अप्लाई करना है, ओके समझ रहे हैं बात यहाँ पर है ना। तो अब देखिए इसमें क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जब अप्लाई करेंगे इसमें रो को अप्लाई करते हुए जो तीन रूल्स हैं, जो हमने तीन रूल्स बताया हमने, उस रूल्स को अब मैं रूल्स में नीचे लिख दूंगा, फिर शॉर्ट में, शॉर्ट में लिख दूंगा मैं, लेकिन ध्यान दीजिए पहले पर। तो अप्लाई करते करते आपको पता है कि ये जो ये है वो क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, ये तो करना है इसमें, इसमें हमने जो ए है उसको आई बना देना है, आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देना है इसको बिल्कुल, और ये जो इक्वल टू चलता रहेगा, तो ये जो हमने आप देखें यहाँ जो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और यहाँ ध्यान दीजिए ये जो आई बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, जो भी एक अलग मैट्रिक्स बन जाएगा, अलग है ना, वो अलग एक मैट्रिक्स बन जाएगा, और उसको हम बी कहेंगे, क्या कहेंगे, बी कह लिए, सी कह लो, नो प्रॉब्लम, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, हमने बी कह दिया, और ये जो आपका ये है एज इट इज चलता रहेगा जी, ये ऐसा है ना, ये ऐसा चलता रहेगा, ठीक है ध्यान दीजिए, यहाँ तक समझिए, इस बीच में क्या है अप्लाई होना है, रूल्स अप्लाई होना है, रो को अप्लाई करना है, और लास्ट का मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फिर क्या होगा, क्या आपको पता है यहाँ पर कि ये जो आपका है ये आपका बी, तो हमने इस ए को इधर ले आना है, जब ए को जैसे नीचे ले आएंगे तो अपॉन में आ जाएगा, बटन में आ जाएगा, नहीं अपॉन में फ्रैक्शन में आ जाएगा, अब फ्रैक्शन में जब आएगा तो इसका पावर ए का क्या वन जाएगा पॉजिटिव, ऊपर जब जाएगा तो माइनस ए, जिसको हम क्या कहते हैं ये आई, और आई पहले रहेगा यहाँ पर, जब पहले है तो पहले ही रहेगा ध्यान दीजिए है ना। तो ये आप जब करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, यानी ये पहले यानी ये इनवर्स बन जाएगा यहाँ पर, क्या बन जाएगा जी, ए इनवर्स, ये आपका इनवर्स आ जाएगा, और इधर बी बचेगा, यानी ये इसी को आप कहते हैं है ना, इसी को आप कहेंगे ये जो आया आपका जान दीजिए, ये जो आया है ना, ये यानी ये इनवर्स को आई से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये इनवर्स आएगा इक्वल टू बी, यानी जो न्यू मैट्रिक्स जो बन गया, ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स था जो न्यू मैट्रिक्स बन गया जिसको बी कहा आपने, और यही बी क्या है, ए इनवर्स है, यानी यही आपका क्या है आंसर आ गया यहाँ पर, समझ रहे हैं बात यहाँ पर, ठीक है यही आंसर आ गया है, समझ रहे होंगे। अब देखिए सेम ऐसे ही आप यहाँ भी जब इस पर रूल कॉलम को अप्लाई करोगे, अप्लाई करते करते ये जो ये है क्या बन जाएगा यहाँ पर, आई बन जाएगा, क्या बन जाएगी, आई बन जाएगा यहाँ पर है ना, बीच में इक्वल टू चलेगा, और ये जो आप देख रहे हैं ये है ये क्या बन जाएगा, यहाँ भी हमने बी कह लेते हैं लाइक दिस, बी कह लेते हैं यहाँ पर है ना, और ये ध्यान दीजिए यहाँ पर सॉरी आप ध्यान दीजिए, सॉरी हमने आपके लिए सॉरी, क्योंकि ये तो ए रहेगा, ये यहाँ कंटिन्यू रहेगा, ये रहेगा यहाँ पर, ये क्या रहेगा ए है ना, और ये आपका रहेगा ये, और ये जो आई है आई यानी ये चीज़ ये चीज़ ये जो आई है ये बी बनेगा, जैसे यहाँ बी बना था है ना, ये बी ऐसे ये बी बन जाएगा, लेकिन ये कंटिन्यू रहेगा यहाँ पर, क्योंकि हमने पता है ये पोस्ट चल रहा था, पोस्ट मल्टीपल था यहाँ पर, ठीक है। तो आपने देखा कि आई यहाँ क्या आ गया,
आई इक्वल टू क्या आ गया, ए बी आ गया। इस ए को इधर ले आएंगे तो फिर वही बन जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पर, ए इन्वर्स बन जाएगा। इक्वल टू क्या रहेगा यहाँ पर, बी रहेगा ये। तो आई को और ए इन्वर्स को जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता है, ए इन्वर्स आता है और इक्वल टू क्या बनेगा जी, बी बनेगा, है ना। तो बस ये इन्वर्स फाइंड हो गया, है ना, ये इन्वर्स क्या हो गया यहाँ पर, फाइंड हो गया। समझ में आते हैं। तो जी आपको स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकेंड इस तरह से आपको दिखाना है, सॉल्व करना है, और आपको सॉल्व करते ही क्या आंसर आ जाएगा, आप समझ रहे हैं। देखिए हमने इसमें बताया कि इसमें तीन रूल अप्लाई करना है, तो आप रूल्स को जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए के फिर भी ये आपके लिए मैं एक जान दीजिए आपके लिए मैं एक शॉर्ट बता देता हूँ कि क्या क्या रूल अप्लाई करना होता है। यहाँ पर मैं नेक्स्ट पेज पर आपको रिमाइंड करता हूँ। जैसे हमने रोक अप्लाई किया, आपको देखिए ई आर ओ आपने किया है, तो क्या करना है, यही तो आपको पढ़ा था हमने कि आई ये इंटरचेंज होता है ना, तो आर जे बनता है, यानी अगर आर वन इंटरचेंज किया आर टू में, आर टू आर थ्री में कर दिया, इस तरह से, है ना। ज़्यादा बताने की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि हमने पीछे बता रखा अच्छी तरह से, आप मेरी वीडियो को देखिए पीछे, आप वीडियो देखेंगे उसमें हमने डिटेल में हमने बता रखा है, रूल्स को समझा रखा है, ठीक है। आर सेकंड वीडियो है, आर आई टेंड्स टू, क्या पढ़ते हैं इसको, टेंड्स टू या अप्रोच टू, के यानी स्केलर मल्टीप्लीकेशन, इसमें के से मल्टीप्लाई कर देते हैं, के यहाँ कुछ भी हो सकता है, आई का आई रहेगा यहाँ पर, ध्यान दें यहाँ आई जे था क्योंकि चेंज हो रहा अलग, यहाँ आई और आई रहेगा, सिर्फ मल्टीप्लाई हुआ है। और थर्ड क्या था, आपका आर आई टेंड्स टू आर आई, यहाँ अगर आई है तो आई, जो है आर वन है तो आर वन, आर टू है तो आर टू, आर थ्री, तो जो भी यहाँ पर वही रहेगा, और प्लस करना तो प्लस या माइनस हो सकता है, यहाँ पर कोई मल्टीप्लाई करके किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करके आर जे यानी ये अलग ने कोई अलग रहेगा, अगर यहाँ आर वन है तो हो सकता है आर टू है, आर थ्री है, कुछ भी यहाँ पर, इस तरह से प्लस करना है तो प्लस करिए, रिक्वायरमेंट होगा, माइनस तो माइनस करिए, है ना। ये तीन रूल अप्लाई करना है ये रोज वाले में। और सेम मैं बता रहा हूँ कि आपको ई सी ओ में भी ऐसे ही बस यहाँ पर क्या होगा, कॉलम हो जाएगा, मैं अलग से नहीं लिखने वाला हूँ, ध्यान दीजिए, आप पीछे मेरे वीडियो को देखिए आप समझिएगा, लेकिन फिर भी यहाँ बता रहा हूँ मैं कि जहाँ आ रहे हैं वहाँ पर सी सी कर दीजिए, और सेम आप मेथड समझ जाइएगा, ठीक है। तो ये हमने जो आपको अभी स्टेप्स बताए हमने, इस स्टेप्स के थ्रू आपको हमने बताया, हमने समझाया आपको, ठीक है, और किस तरह से आप करेंगे वो मैंने समझाया आपको, ठीक है। तो इसलिए चलिए अभी जो हमने आपको बताया स्टेप वन स्टेप टू, आपको बताया कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस को कैसे हम अप्लाई करेंगे और इन्वर्स फाइंड किया जाएगा किस तरह से, वो मैंने अभी बताया है, ओके। अब जस्ट इसके नेक्स्ट वीडियो हमारा जो होगा, नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा हमारा, कि आपको मैं क्वेश्चंस लूँगा टू क्रॉस टू का एंड थ्री क्रॉस थ्री का, और उस वीडियो में आपको मैं करके दिखाऊंगा, अप्लाई करके दिखाऊंगा कि कैसे इन्वर्स फाइंड किया गया है, और फिर कैसे मैंने प्रूव किया कि हमारा आंसर भी क्या है, सही है, वो मैं दिखाऊंगा। तो हमारे साथ बने रहिए, और नेक्स्ट वीडियो की आप इंतज़ार क्या नहीं करना है, तुरंत ही आप जब ओपन करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो आपको दिख जाएगा। तो आइए नेक्स्ट वीडियो देखिए।